50% का हमारा वोटर है उसको एक बड़ा लाभ देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सैनी साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं 10 की 10 सीटें जीतेंगे, हरियाणा में आपका जो गठबंधन है जेजेपी साथ, तो क्या वो गठबंधन हटने वाला है या क्या कैसे रहेगा? नहीं देखिए, हमारा क्योंकि चुनाव के बाद का ये गठबंधन है, सरकार चल रही है, अच्छे से सरकार चल रही है, गठबंधन का निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है और केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी आदेश करेगा, हमने 10 की 10 सीटें जीतनी है जो भी वो निर्णय करे, और 10 की 10 सीटें आज हरियाणा के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास कमल का फूल खिला करके भेजेंगे। जो भी केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा उसको सर्वमान्य को क्रम स्वीकार करेंगे, इस दिशा में काम करेंगे, परंतु हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार मजबूती से बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि खट्टर साहब तिवारा मुख्यमंत्री बनेंगे और सहयोगी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, कोई भी दल है, अगर कोई आज़ाद व्यक्ति खड़ा हो जाता है वो भी तो बोलता है, उसके समीकरण होते हैं, वो भी ये बोलता है कि मैं विधायक बनूंगा, कोई ये थोड़ी कहेगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। चौटाला का शासन देखा नहीं है, हरियाणा के प्रदेश ने भुगता है चौटाला का शासन, किस प्रकार का शासन रहा। फिर अगर वो अपने आप बोल रहा है उसमें कहने में तो कोई आपत्ति नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं कि मैं चारों को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कहने में कोई जोर लगता है? ये रेवड़ी है, रेवड़ी देने का काम कर रहे हैं। परंतु हरियाणा के अंदर जो हमारा विधानसभा का है उसके अंदर 8 मंत्री बन सकते हैं, 4 वो कह रहे हैं मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो सभी को मुख्यमंत्री बना दे। सैनी साहब, संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ करोगे आप? बिल्कुल काम कर रहे हैं, हमारा पन्ने से लेकर के हमारा बूथ, बूथ से लेकर के हमारा मंडल, मंडल के हमारे मोर्चे, मोर्चों के साथ जिला, जिले के साथ प्रदेश, एक पूरी चैन, लाखों कार्यकर्ताओं की एक पूरी मजबूत चैन है। कांग्रेस जिस प्रकार का झूठ फैलाने का काम करती है और झूठ के आधार के ऊपर सत्ता हथियाने का काम करती है, हमारा कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर के मजबूती से कांग्रेस के इसके झूठ के आगे खड़ा हो जाएगा, उसके झूठ को नहीं चलने देगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 वर्षों में काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने काम किए हैं। पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने गुड गवर्नेंस के अंदर पूरे देश के अंदर 1 का स्थान प्राप्त किया है। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाकर के गरीब व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का लाभ और सिस्टम को सुधारने का काम गुड गवर्नेंस के अंदर, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात हो, ये मनोहर लाल जी ने काम किया। इसको अदर राज्य भी फॉलो कर रहे हैं और वो आकर के यहाँ सर्च करते हैं, उनके अधिकारी आते हैं, आकर के देखते हैं कि किस प्रकार ये सिस्टम बना है, हम भी अपने स्टेट के अंदर इस प्रकार का सिस्टम लागू करेंगे। मनोहर लाल जी इस गुड गवर्नेंस के इलेक्शन से पहले नंबर एक का काम किया, 24 के इलेक्शन से पहले कोई बदलाव करोगे आप संगठन में? देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं और सभी बड़ी तन्मयता से लगे हुए हैं, कोई उसके अंदर वो नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरे को पार्टी ने कहा है कि आपने कार्यकर्ताओं से मिलना है। एक आखिरी सवाल, मैं लगातार मिल रहा हूँ। जिला स्तर पर भी अभी जैसे संगठन में कई बदलाव होने हैं, जैसे जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है अध्यक्ष वगैरह का, तो कैसे उसमें अभी घोषणा होगी, कब तक होगा कुछ? नहीं देखिए, हमारी पार्टी की उच्च स्तरीय कमेटी है, वो उसको डिसाइड करती है क्या करना है, जैसा ही उसके अंदर दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से काम करेंगे। थैंक यू।